हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं विवेक कुमार मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने एक नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि लिक्विड्स क्या इलेक्ट्रिक कंडक्ट करती है, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। तो चलिए देखते हैं, कैन लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ये क्वेश्चन सबके मन में होता है कि लिक्विड क्या कंडक्ट कर सकती है इलेक्ट्रिसिटी या नहीं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टिंग का लिक्विड की केस में। तो अगर मैं आपको बोलूं कि सभी लिक्विड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर सकती है तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अधिकतर लिक्विड्स जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, लेकिन वहीं कुछ इलेक्ट्रिसिटी जो है, कुछ लिक्विड्स जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। वाटर कंटेनिंग सॉल्ट्स एंड मिनरल्स डिजॉल्व इन इट ऑलवेज कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। वाटर जिसमें नमक मिला हो या मिनरल मिला हो उसमें ऑलवेज इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। डिस्टिल्ड वाटर में क्योंकि मिनरल एंड सॉल्ट नहीं होता है इसलिए उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं कर पाती है। कोई भी सॉल्यूशन चाहे वो एसिड का हो या बेसिस का हो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगी। यहाँ आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कुछ मटेरियल का नाम है जिसको टेस्ट से गुजारा गया और टेस्ट में पता चला कि वो कंडक्टर है या नहीं। तो डिस्टिल वाटर को जब टेस्ट किया गया तो पाया गया कि डिस्टिल वाटर जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एंड टैप वाटर जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। तो आप इन दोनों में अंतर समझ पा रहे हैं कि डिस्टिल वाटर जो है वो अपने अंदर सॉल्ट या मिनरल्स नहीं रखा होता है और टैप वाटर में सॉल्ट या फिर मिनरल्स हो सकते हैं। तो अगर किसी वाटर में सॉल्ट या मिनरल्स हैं तो उसमें आयंस होंगे और जब आयंस होंगे तो डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। तो आपने पहले से ही पढ़ रखा है कि अगर डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो गुड कंडक्टर होता है। लेमन जूस गुड कंडक्टर है, विनेगर पुअर कंडक्टर है और आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि मिल्क भी गुड कंडक्टर है और जो आपके किचन में ऑयल्स हैं जिसपे आप कुकिंग करते हैं वो भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। वही अगर पुअर कंडक्टर की बात करूँ तो हनी जो है वो पुअर कंडक्टर है और सोडा कंपाउंड जितने भी कंपाउंड जो सोडा के होते हैं जैसे सोडा वाटर हो सकता है या कोई भी मटेरियल जिसमें सोडा हो तो वो गुड कंडक्टर होता है। मर्क्यूरी जो है वो भी गुड कंडक्टर है और फ्यूल्स हैं जितने वो सभी पुअर कंडक्टर है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर लिक्विड्स की हम बात करें तो सभी लिक्विड्स गुड कंडक्टर नहीं है, कुछ गुड कंडक्टर है कुछ पुअर कंडक्टर है। हाउ डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, लिक्विड्स कैसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। तो डिफरेंट सब्सटेंसेस व्हेन मिक्स्ड इन वाटर, जब आप वाटर में डिफरेंट सब्सटेंस मिलाते हो तो उनमें आयंस फॉर्म होते हैं और जैसे ही आयंस फॉर्म होते हैं तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं और जैसे ही डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स आते हैं इलेक्ट्रिसिटी मूव करने लगती है। जो आयन जो होते हैं किसी भी मटेरियल में वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं इलेक्ट्रिक करेंट के पास होने पर और ये आयन्स क्या है तो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स को ही हम आयन्स कहते हैं। The more number of ions in a liquid is that the conductor it is of electricity. It is the better conductor of electricity. तो किसी भी लिक्विड में अगर ज़्यादा number of ions हैं, अगर the more number of ions present in a liquid है तो वो better conductor होगा। अगर ज़्यादा ions present है तो better conductor है, कम ions है तो वो poor conductor हो सकता है। That is why distilled water is a poor conductor of electricity, but salt water is a good conductor of electricity. क्योंकि salt water में ज़्यादा ions आपको देखने को मिलेगा जबकि distilled water में आपको कोई ions देखने को नहीं मिलेगा। ions कहने का मतलब delocalized electron, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि ions कहने का मतलब होता है delocalized electrons. However, many compounds do not form any ion on mixing them with water. And therefore they are poor conductors of electricity such as sugar water, oil and alcohol. तो अगर आप sugar में water मिलाते हो या water में sugar मिलाते हो तो क्या होता है ना कि sugar जो है वो कोई iron form नहीं करता। तो अगर आप पानी में अगर चीनी मिला रहे हो, distilled water में चीनी मिला रहे हो तो electricity flow नहीं करेगा और अगर distilled water में नमक मिला दे रहे हो तो flow कर जाएगा क्योंकि नमक ions form करता है और sugar ions form नहीं करता। Clear?
इसलिए जो है सो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं करती है। तो अगर आप शरबत बना रहे हो तो शरबत जो है वो पुअर कंडक्टर है, और अगर आप नमकीन पानी बना रहे हो तो वो बेस्ट कंडक्टर है, बेटर कंडक्टर है, या गुड कंडक्टर कह सकते हैं उसको। वहीं अगर आप अल्कोहल और ऑयल को मिला देते हैं तो वो भी पुअर कंडक्टर ही माना जाता है। अभी आप यहाँ देख रहे हैं कि हाउ डू लिक्विड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे एक आयनिक कंपाउंड है, मतलब वाटर में कुछ ऐसा चीज मिला हुआ है जिसमें आयंस प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे दो टर्मिनल है, पॉजिटिव और निगेटिव। आप जब बैटरी से जुड़ेंगे तो आप देखते हैं कि जो बल्ब है वो जलने लगता है, तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो अगर बल्ब जलने लगा, कहने का मतलब है कि यहाँ पे तो कोई तार जुड़ा हुआ नहीं है, ओके, तो जो सर्किट है वो टूटा हुआ है, वो ब्रेक है सर्किट, ओके, तो यहाँ पे ब्रोकन सर्किट है। तो ब्रोकन सर्किट के बावजूद भी अगर ये बल्ब जल रहा है तो कहने का मतलब है कि वाटर जो है वो कंडक्टर है, और अगर नहीं जल रहा है तो वाटर कहेंगे कंडक्टर नहीं है। तो वाटर कंडक्टर कब होगा? तो वाटर कंडक्टर उस समय होगा जब उसमें आयंस प्रेजेंट होंगे, ओके, और आयंस कब प्रेजेंट होंगे? जब हम कुछ चीज मिलाएंगे वाटर में, हम मिनरल्स मिलाएं या हम कुछ और भी मिलाएं, तो अगर उनमें डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो आयंस प्रोड्यूस करेंगे ही करेंगे। तो अब बढ़ते हैं आगे कि आप जब वाटर को टेस्ट करना है आपको कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है या नहीं, तो आप जो इलेक्ट्रिक बल्ब होता है ना उसका यूज ना करें तो अच्छा है। आप एलईडी बल्ब यूज कर सकते हैं, क्योंकि एलईडी बल्ब जो होता है वो कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में भी ब्लिंक करता है। तो अगर कम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस हो रही है और आपको टेस्ट करना है कि इलेक्ट्रिसिटी जो है सो कैरी कर रही है कि नहीं, कंडक्ट कर रही है कि नहीं, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एलईडी बल्ब यूज कीजिए। और आपके लैब्स में भी एलईडी बल्ब का ही इस्तेमाल किया जाता है जब आप इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को टेस्ट करते हैं। देन अब नेक्स्ट टॉपिक है, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। तो द इफेक्ट इन व्हिच कंपोनेंट्स ऑफ अ कंपाउंड गेट स्प्लिट ड्यू टू पासिंग एन इलेक्ट्रिक करेंट थ्रू इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है? तो इलेक्ट्रोलाइसिस हम उस इफेक्ट को कहते हैं, जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस एक इफेक्ट है। जब भी हम किसी भी मटेरियल में अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं और वो मटेरियल जो है वो स्प्लिट हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है, उसके घटक अलग हो रहे हैं, तो उस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं, ओके। तो अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड से अगर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो हाइड्रोजन गैस, क्लोरिन गैस अलग अलग जमा होगी, अलग अलग डिपॉजिट हो जाएगी, तो इस इफेक्ट को हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हो ना कि एक ये इलेक्ट्रोलाइसिस इफेक्ट को बता रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है। इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तो वो स्प्लिट हो जाता है, ओके, क्योंकि उसमें आयंस हैं, उसमें प्लस आयन भी होंगे, माइनस आयन भी होंगे। तो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन से जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, यहाँ आप देख रहे हैं ना कि ये कैथोड है और ये एनोड है, तो जब यहाँ से हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाएंगे तो इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव होंगे वो यहाँ जमा हो जाएंगे और जितने भी निगेटिव होंगे वो यहाँ जमा हो जाएंगे, ओके। तो कैथोड पे जो है यहाँ आप देख रहे हैं प्लस वाला जमा हो रहा है और एनोड जो है उस पर माइनस वाला डिपॉजिट हो रहा है, तो माइनस वाला सारा निकल के यहाँ जमा हो जाएगा, पॉजिटिव वाला यहाँ जमा हो जाएगा। तो आप इसके अंदर, इस इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन के अंदर जितने भी आयंस प्रेजेंट है आप उसको स्प्लिट कर पा रहे हो, तो इस इफेक्ट को ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस कहते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं और कौन कौन से सॉल्यूशन जो है सो इलेक्ट्रिसिटी अगर उनसे फ्लो करवाई जाए तो वो स्प्लिट हो जाते हैं, तो आप वो वीडियो भी जरूर देखिएगा। तो यहाँ पे मैं लेक्चर 2 यहीं एंड करता हूँ। मैं विवेक कुमार मिश्रा आप सभी का धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।